नमस्कार, मैं हूं आरती। जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद भारत सरकार की ओर से 2 नवंबर को एक नया नक्शा जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान को लद्दाख के साथ दिखाया गया है, जिसे देखकर पाकिस्तान को पहले ही बौखलाया हुआ था। लेकिन अब भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा नेपाल भी बुरी तरह तिलमिला गया। नेपाल ने भारतीय नक्शे में दिखाए गए कालापानी क्षेत्र को लेकर नाराजगी जताई है, जिस पर भारत सरकार ने भी करारा जवाब दिया है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद केंद्र सरकार ने जो राजनीतिक नक्शा जारी किया है, वो भारत की संप्रभुता को सटीक रूप से दिखाता है। भारत ने जो नक्शा जारी किया है, उसमें नेपाल की सीमा से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि नेपाल के साथ सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर फिर भी नेपाल को कोई परेशानी है, तो इसका समाधान बातचीत के जरिए से निकाला जा सकता है। What is the official comment from the government of India on the protest and the outrage going in Nepal against the new political map released on the 2nd November? The number one, and the second one is the government of Nepal came up with the official statement yesterday, outrightly rejecting the that the map which included the Kalapani area and the claim that the Nepal is the integral part of the Nepal, and it has been claiming for this many years. What is the official instance of comment from the government of India side? Our map accurately depicts the sovereign territory of India. The new map has in no manner revised our boundary with Nepal. The boundary delineation exercise with Nepal is ongoing under the existing mechanism. We reiterate our commitment to find a solution through dialogue in the spirit of our close and friendly bilateral relationship. At the same time, and I think this is very important to note, that both sides should guard against vested interests who are out there to create some differences between the two countries. इससे पहले नेपाल ने भी आपसी बातचीत के जरिए ही मुद्दे को सुलझाने की बात दोहराई थी। नेपाल विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि कालापानी नेपाल का अभिन्न हिस्सा है। नेपाल सरकार इस पर पूरी तरह से स्पष्ट है। दोनों देशों के बीच सीमाई विवाद द्विपक्षीय बातचीत और सहमति से सुलझाए जाने चाहिए, और इस संबंध में किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई नेपाल को स्वीकार नहीं होगी। नेपाल का कहना है कि कालापानी क्षेत्र उसके दारचूला इलाके का हिस्सा है, और इसे लेकर नेपाल अपने स्टैंड पर कायम है। अगर भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा विवाद होता है, तो उसका समाधान ऐतिहासिक दस्तावेजों के मूल्यांकन और सबूतों के आधार पर ही होगा। आपको बता दें कि नेपाल से पहले पाकिस्तान ने भी भारत के नक्शे पर आपत्ति दर्ज कराई थी। पाकिस्तान ने तो इसे नक्शा ही मानने से इनकार कर दिया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।